सारे हुए सकन थी कमेटी या सारे यूनियन आले असा ये गल बनाई साढ़े गठे पराली कई दिन की पई है किसी चुकी नहीं असा एल्टीमेट दिता कल 2 बजे अग ला देनी है सारे जिमीदार लाओ जो होगी वेखी जाएगी फिर होगी जो पराली कोई चुक देने कि लै जाइए वेखो सैलर चलते ने मैं कि धुआं इन्हों का साढ़े ज्यादा धुआं साड़ी है पराली जाके कट्ठे बना के सैलर साड़नी है फिर धुआं किधर जाएगा अल्टीमेटम के बाद कोई अधिकारी आप पे आया साडे कोल कोई अधिकारी नहीं आया नहीं साडे नाल किसी की गल कोई हुई साडे नाल कोई किसी की गल नहीं हुई ना कोई साडे कोल अधिकारी कोई आया ना साडे नाल पराली जलाने से तो हां जी नुकसान है पराली जलाने पराली के नुकसान पाजी और मजबूरी ना चलाई जलाई इथे डंगरों का घास पोना मजबूरी ने जलाई की करिए किधर जाइए मजबूरी तो जलाइए अज 15 दिन हो गए ने पराली कट्ठी हुई है कोई चुकन नहीं आया कट्ठे बरसीन बीजना किधर जाएंगे मजबूरी ना लाइए सारा शौक नाल नहीं लाई क्या नाम है आग इसलिए लगाई है और हमारे पास कोई चारा नहीं इसमें यही है पर जब नहीं कुछ बना आज 15 दिन हो गए ना इसको लेने बनाइया को उनके पास प्रबंध ही को नहीं क्या करें उनको बोले आए तो वो बोले भी अभी तो कई दिन नंबर नहीं पड़ेगा इसलिए फिर और बरसीन बोनी है बरसीन बोने के लिए हमने जलानी पड़ी है मजबूरी है साड़ी इससे फसल को भी नुकसान उसका नहीं भावे साडा सारा ही नुकसान हो जाए नुकसान नु साडा फायदा केड़ा है सरकार भी कर दी है ये सरकार को साडा फायदा भी कर दी है साडा नुकसान ही नुकसान है जेड़ा सारा साल इन्हें बलना इतने बेच इन्हों दूजा कारखानिया के वह प्रदूषण कोई नहीं दे साडा एक 15 मिनटों का प्रदूषण है साडा हूँ भावें कि नुकसान हो जाए असं इस गल नहीं सोचते फायदा तो साडा कोई भी नहीं हो रहा फायदा साडा किहड़े काम च होया अल्टीमेटम दिया था आज लगा दी आग और जगह भी लगी है बहुत जगह सारे हरियाणा के कई जगह जिथे जिथे किसी जलानी सी जला रहे कोई लगा रहे हैं यहाँ पे जाग तो जो लगा रहे हैं उठाड़े ही नहीं आ रहे हैं हमने पहले इकट्ठा करवाया इनको और अब हमने बरसीन बोनी है जो बरसीन ना बोएंगे डंगर भूखे पड़ जाएंगे जी तो इससे नुकसान जमीन का भी है और वातावरण भी दूषित होता है वातावरण सिर्फ फसल से नहीं वातावरण तो देखो वहाँ सैलर है इन पर भी वातावरण खराब कर रही है तो फिर क्या क्यों लगा रहे हो आग मजबूरी 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 में आग लगा रहे हैं जी अच्छा तो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं कोई यहाँ समझाने करा, के लिए करा फोन करा जी आ ही नहीं रहे वो तो हाँ जी नहीं आ रहे वो नहीं आ रहे इसका मतलब वो कागजात तक सीमित है हाँ जी बिल्कुल सरकार भी इसकी तरह ही जाएगी जैसे ये फसल हो रही है ना हमारा कागजात तक सीमित है सिर्फ बिल्कुल क्या नाम है आपका मेरा नाम सुमित है जी पठे बीजने नहीं कल अल्टीमेटम दिया था कल तो 20 दिन हो गए साढ़े चुकते नहीं आ चुक लो पठे बीजन लाइए दूजे ना चुकन फिर भी लागे जो ना चुके प्रशासन संभल जाए नहीं प्रशासनिक अधिकारी आपसे बातचीत कर रहे हैं कोई वो कोई हमने सारे यंत्र दिए हैं कोई यंत्र एक नहीं दिता सानू तो सानू तो असी आंदे छड़े ने भी जिन्हों को नहीं बेचारा को ट्रैक्टर तो सानू कोई उन्हें मशीन नहीं दी कोई गल नहीं कोई बात नहीं अभी तो हम आप पंडा ना कितने चुके पकाइए दसन सानू थां भी दसन भी इन्हों पंडा बन बन के तो किमें मजदूर कितों लाइए इन्हें मजदूर तो कितों लगीए हैं अभी तो अगर करजाई हुए हैं किसान देख सकते हैं आप पीछे धुएं की वजह से वातावरण दूषित हो रहा है तो ये सैलर ना देखोगा यार सैलर आ क्या अब देखा कि फैक्ट्रियाँ इन्हों का धुआं नहीं इन्होंने चढ़ता साढ़े जे अद्ध किले अग लग गई तो साढ़ा इन्होंने धुआं चढ़ गया तो इधर कौन नहीं चढ़ता सारिया फैक्ट्रियाँ साढ़े डंगर पट्ठे भी नहीं खाते आ कणक असं मुल लेने ये वास्ते जी है ना खाने वास्ते बिच वर जाती है राखी सारी उड़ उड़ के ना इन्हों की राखी बिच वर जाती है अगे भी लगाओगे अगर नहीं बात अगे ना लगा अगे ना लगो वेखा